हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को निचले हिमाचल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 205 घंडल में धंसने के बाद दूसरे दिन भी बंद रहा, जिसके चलते शिमला आने जाने वाले हजारों लोगों को परेशान होना पड़ा। वाहन चालकों को अतिरिक्त सफर करना पड़ा। इस दौरान प्रदेश की लगभग छोटी बड़ी 14 सड़कें बंद रही, 16 कच्चे मकान और 17 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई। प्रदेश में बुधवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। 20 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वार्ड नंबर 4 में कोटला जी के घर के सामने गिरा है। मैंने आगे मौके पे देखा है, दो गाड़ियों को नुकसान हुआ है, बाकी जान माल का बचाव रहा है और आगे के लिए कल से हम इसका काम शुरू करेंगे। रास्ता भी बंद पड़ा है। कल आज तो छुट्टी होने के कारण कल लेबर हमने बुलाई है एमसी की, कल लेबर आ जाएगी, कल तक रास्ता क्लियर करेंगे। बाकी आगे जो भी होगा इसका जल्द से जल्द पूरा क्लियर करने का इंतजाम करेंगे। रास्ता वगैरह खुल दीजिएगा, रास्ता कब तक खुल जाएगा? ये रास्ता जी कल खुल जाएगा। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने भी मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क को खोलने के लिए पहाड़ की कटिंग में ग्रामीणों की भूमि आने का पेच फंस गया है।